जा रहे हैं रासायनिक संकट पर आधारित गणनाएं, स्टासियो केमिस्ट्री या स्टासियोमेट्री भी कहते हैं। बच्चों इस पर कुछ कैलकुलेशन हैं, कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो कि हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी गणना है ये कैसी किस पर आधारित होती है रासायनिक संकट पर, बच्चों हम आपको समझाएंगे आज। तो जैसे ये गणनाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं बच्चों। नंबर एक है साधारण गणनाएं, नंबर एक है साधारण गणनाएं। बच्चों रासायनिक संकट पर आधारित गणनाएं में स्टासियोमेट्री में जो कि नंबर एक है साधारण गणनाएं, सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है बच्चों। मान लीजिए कोई भी रासायनिक संकट है वह वैलेंस स्थिति में, मतलब जब कोई रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में है बच्चों, मतलब जब एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके बच्चों उत्पाद बना रहा है, तो जो अभिकारक के जितने मॉलिक्यूल हैं, मतलब जिनके अणु जितने अणु अभिकारक के हैं, जो अणुओं की संख्या बन रही है उत्पाद की, दोनों का मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अभिकारक जितने अणु हैं और उत्पाद के जितने अणु हैं, मतलब जितने परमाणु इधर हैं उतने परमाणु इधर है, यदि दोनों का मान बराबर है, मतलब दोनों बराबर स्थिति में हैं, तो बच्चों यह रिएक्शन बैलेंस की स्टेट में कहा जाता है। तो बच्चों तो इस अवस्था में हम इसके निम्नलिखित विवरणों को प्राप्त करते हैं। इसे मान लीजिए बच्चों नंबर एक क्या होता है, पहली क्या होती है इसका विवरण गणनाएँ हैं कि मतलब बच्चों अणुओं के परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालते हैं, अणुओं की अपेक्षित संख्या। उच्च अवस्था में बच्चों पहला जो कंडीशन है, मतलब जो पहली पॉइंट होती है अणुओं की अपेक्षित संख्या, हम उस स्थिति में आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं बच्चों। नंबर दो क्या है, मोल की गणना मतलब कोई रिएक्शन बैलेंस है तो कितने मोल इधर है बच्चों और कितने मोल उधर है बच्चों, तो इस स्थिति में हम मोल की गणना आसानी से बच्चों कर सकते हैं। बच्चों नंबर तीसरा स्टेप है आपेक्षिक द्रव्यमान, मतलब कि कोई भी अभिकारक कितने द्रव्यमान है और जो उत्पाद बन रहा कितने द्रव्यमान है, तो इसकी सहायता से हम उसके द्रव्यमानों की बच्चों गणना कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों नंबर चौथा पॉइंट है आपका बच्चों आपेक्षिक आयतन। तो बच्चों ये आपेक्षिक आयतन मतलब कितने लीटर आयतन हमने लिया, द्रव को कितने मात्रा में लिया और कितना उत्पाद जो बन रहा है द्रव बन रहा है कितना लीटर मिल रहा है, तो मतलब ये चारों पॉइंट की सहायता से हम साधारण कैलकुलेशन कर सकते हैं उस स्थिति में की रिएक्शन जब क्या है बैलेंस्ड है। तो बच्चों आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं कि अणुओं की आपेक्षिक संख्या हम कैसे मालूम कर सकते हैं। पहले स्टेप को हम बच्चों समझते हैं कि अणुओं की आपेक्षिक संख्या या अणुओं की या परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या समझते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल है बच्चों, एक एग्जाम्पल है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बच्चों अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है बच्चों, जल बन जाता है। देखिए बच्चों रिएक्शन 2H2+O2 इजकल टू 2H2O, क्या बन गया बच्चों, हाइड्रोजन क्या है बच्चों गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों गैस है और द्रव बन जा रहा है जल के अणु, H2O क्या बच्चों द्रव लिक्विड है, मतलब
अब बच्चों क्या अणुओं या परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, मतलब कितने अणु बच्चों इधर हैं, 2 अणु, इसको आप अगर n से पढ़ सके बच्चों 2n प्लस 1n इज इक्वल टू 2n, मतलब बच्चों क्या जहां n बराबर बच्चों होता है इसको अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। n का मान होता है बच्चों 6.023 गुणे 10^23। तो इस तरह बच्चों हम देखिए 2n मालिक की 2 अणु, 2n क्या हाइड्रोजन के हैं और वो 1n क्या है ऑक्सीजन का है, जो 2n बन जा रहा है बच्चों ये जल का बन जा रहा है, मतलब 2 अणु प्लस 1 अणु बन जा रहा है 2 अणु जल का। तो इस तरह बच्चों अणुओं की आपेक्षिक संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट बच्चों है, हमने बताया कि अणुओं की द्रव्यमान क्या है, आपेक्षिक द्रव्यमान कह सकते हैं या मोलों की संख्या बच्चों कह सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, सॉरी बच्चों दूसरा स्टेप था मोलों की संख्या। दूसरा स्टेप हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलों की संख्या की संख्या, मतलब 2 मोल प्लस 1 मोल इक्वल टू 2 मोल, मतलब क्या बच्चों 2 मोल हाइड्रोजन है 1 मोल ऑक्सीजन है, मिलके 2 मोल जल के रूप बन रहा है। इस तरह हम मोलों की संख्या आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। नंबर जो बच्चों तीसरा स्टेप था आपका कि आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान बच्चों आपेक्षिक द्रव्यमान हम आसानी से साधारण कैलकुलेशन में हम इसको निकाल सकते हैं। बच्चों जैसे ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है परमाणु भार होता है 1.008 होता है, इसको हम पूरा न लिख के बच्चों 1 लिखते हैं, तो 2 तो कितने हो जाएंगे इसके 2, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा 2, अगर इसके दाम मान 4 ग्राम माने बच्चों 4 ग्राम, तो ऑक्सीजन का जो होता है द्रव्यमान 32 ग्राम होता है बच्चों, इसको आप जोड़ दीजिए तो 32 और 4 36 ग्राम, तो 36 ग्राम क्या मिल जाएगा बच्चों, 36 ग्राम मिल जाएगा आपके जल, है ना बच्चों। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या जल के कितने ग्राम अणु बनाएंगे बच्चों, कितने ग्राम बन रहा है 36 ग्राम। तो इस तरह हम आपेक्षिक द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हमारा इसमें से लास्ट पॉइंट है आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन। तो बच्चों आपेक्षिक आयतन भी इस इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। इसे मान क्या था 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, मतलब 2 लीटर हाइड्रोजन प्लस 1 लीटर ऑक्सीजन इक्वल टू 2 लीटर क्या बच्चों मिल जाएगा आपका जल। तो इस तरह हम आसानी से बच्चों इसके जो है आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी निकालना हो तो आसानी से निकाल देते हैं। जबकि बच्चों अगर एक परमाणु के मोलों की संख्या क्या होती है 22.4, तो इस तरह बच्चों हम निकाल लेंगे कि तो इसमें 2 मोल है, मतलब 1 मोल मतलब कि 1 अणु जो होता है 22 का दुगना 22.44.8 प्लस 22.4 जोड़ दीजिए बच्चों तो आ जाएगा 8 4 12, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 6, मतलब 60.2 लीटर आयतन बच्चों इस तरह हमें
इस तरह बच्चों हमें मिलेगा ये 60.2। सारे बच्चों ये 2 लीटर, क्योंकि क्या है बच्चों, यह आप आपतन निकाल रहे हैं, तो 1 लीटर मोल का मतलब आ जाएगा 4.48 लीटर। मतलब क्या भाई बच्चों, आतन निकाल रहे हैं ना, इस तरह बच्चों हो जाएगा 1 लीटर का जो मतलब आयतन होता है 22.4 होता है, तो 2 का हो जाएगा 48.8। तो इस तरह बच्चों हम आसानी से हम निकाल सकते हैं अपेक्षित आयतन को बच्चों। तो बच्चों देखिए, एक सवाल है बच्चों, इस पर आधारित एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि लिखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए एस टी पी पर 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए एस टी पी पर 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए जिंक की कितनी मात्रा, तनु एससीएल में एससीएल के विलयन में रासायनिक सहयोग कराने के लिए आवश्यक होगी, बच्चों एस टी पी पर 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए जिंक की कितनी मात्रा तन हाइड्रोक्लोरिक के विलयन में रासायनिक संयोग करने के लिए आवश्यक होगी। बच्चों ये सवाल है, न्यूमेरिकल है, इसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल देखिए, रिएक्शन क्या बच्चों, क्या कह रहा सवाल कि एस टी पी पर 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए जिंक प्लस 2HCl इजकल टू ZnCl2 प्लस H2, यही बच्चों रिएक्शन हो जाएगा। कह रहा है कि 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए जिंक को हाइड्रोक्लोरिक के विलयन अभिक्रिया कराया जाए, कितना मात्रा जिंक मिलाया जाए, मतलब जिंक की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि जो है हमें प्राप्त हो। तो बच्चों इस तरह हम जिंक का जो परमाणु भार होता है बच्चों 65.3 ग्राम होता है बच्चों 65.3 ग्राम मिलता है कितने 22.4 लीटर में बच्चों मिलता है 22.4 लीटर क्या बच्चों एस टी पी पर। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम निकालेंगे कि 2.4 लीटर निकालने की मतलब 2.24 लीटर एस टू प्राप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों 65.3 / 22.4 × 2.24 प्राप्त करने के लिए कितनी आवश्यकता बच्चों, इसको हल करोगे बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लगभग बच्चों 65.6 ग्राम। इसको हल करें, कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो मतलब 6.5 ग्राम
जो है जिंक की मात्रा जब मिलाएंगे तो हमें इतनी मात्रा हमको प्राप्त होगी। इतनी मात्रा मिलाने पर जो है 2.24 ग्राम हाइड्रोजन गैस बच्चों प्राप्त होगी। तो बच्चों इस तरह हम साधारण गणनाएँ कर सकते हैं। तो बच्चों अगली पॉइंट है सीमांत अभिकर्मक पर आधारित गणनाएँ। दूसरा स्टेप है सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक पर आधारित गणनाएं। बच्चों ये सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? बच्चों यह है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीजन जिसको बोलते हैं, लिमिटिंग रीजन। बच्चों इसको समझने के लिए हमें एक समीकरण लिखते हैं आपके सामने, 2NH3 N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। बच्चों सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक बच्चों देखिए, मान लीजिए बच्चों यदि 1 मोल नाइट्रोजन को 4 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो 2 मोल ही अमोनिया प्राप्त होगी। बच्चों मतलब 1 मोल जो हाइड्रोजन होगा वह क्या बच्चों माना जाएगा, उसको उसमें जोड़ा नहीं जाता है बच्चों। तो कहने का मतलब अगर इस 3 मोल के बजाय 4 मोल लिया जाए तब भी अमोनिया का 2 ही मोल प्राप्त होगा बच्चों। उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस नहीं नाइट्रोजन गैस क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है बच्चों। इसी प्रकार यदि बच्चों 2 मोल नाइट्रोजन को हम 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिकर्मक कराते हैं बच्चों तो ही 2 मोल अमोनिया प्राप्त होगी उस कंडीशन में भी, और उसमें 1 मोल नाइट्रोजन को नहीं बच्चों कैलकुलेट किया जाएगा तो उस स्थिति में हाइड्रोजन को सीमांत अभिकर्मक होता है। मतलब सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है बच्चों जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतः उपयोगी सिद्ध होता है, वही कहलाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है बच्चों। यह है इस अभिकर्मक की मात्रा पर बच्चों निर्भर करता है। तो बच्चों इस तरह हमने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं और उसकी मूलभूत गणनाएं में, यह हमारा बच्चों लास्ट टॉपिक था और इस पर न्यूमेरिकल हमने बता दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की विधि बता दिया, उस पर आधारित गणनाएं बता दिया, यदि वाष्प घनत्व दिया है और भार दिया है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र कैसे निकालेंगे हमने सवाल बता दिया बच्चों। और अब आप यह सवाल ये चैप्टर भी हल करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, उस पर कोई भी क्वेश्चन संबंधित हो पूछिएगा बच्चों, हम बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। थैंक यू।